आज मोदी का भव्य स्वागत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी मोदी। मिशन 2024 के लिए सांसदों को मोदी मंत्र। जीत का भी माननीय प्रधानमंत्री जी, सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने उसका श्रेय का जो योगदान है उसमें कार्यकर्ता को ही मैं उसका श्रेय देता हूं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। मोदी जी की गारंटी इस वक्त प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मोदी गारंटी ये पर्याप्त। मोदी जी आप जब बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है लेकिन सब लोगों के लिए मोदी मोदी उनको अच्छा लगता है, इन्होंने उन्हें बैक किया। बीजेपी सांसदों को मोदी की गारंटी पर जोर। सांसदों को लाभार्थियों से जुड़ने की नसीहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका विशेष में। जी से दूरी क्या 24 के लिए जरूरी है? दरअसल तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया, जहां सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर मोदी को जीत का शिल्पकार बताया तो पीएम मोदी ने इसे टीम वर्क की जीत बताया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए अपने सांसदों को जीत के मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें मोदी जी ना कहे बल्कि बिना किसी संकोच के सीधे मोदी कहकर बुलाए, इससे जनता मोदी और बीजेपी से सीधे जुड़ाव महसूस करेगी। वहीं मोदी ने सांसदों को जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया। मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजन, मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से चीन में और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद से बीजेपी में जश्न का माहौल। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी सांसदों में भी गजब का उत्साह दिख रहा था। पीएम मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, सांसद स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है के नारे लगाते दिखे। बीजेपी सांसदों की तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सभी सांसदों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों को जीत के मंत्र दिए। पीएम मोदी का पहला मंत्र, मैं मोदी जी नहीं सिर्फ मोदी हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें मोदी जी नहीं बल्कि मोदी कहा जाए, क्योंकि अगर सांसद उन्हें मोदी जी कहकर पुकारेंगे तो इससे वो आम जनता से दूर हो जाएंगे। मोदी के आगे जी लगाने से आम जनता उनको खुद से अलग समझने लगेगी। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि कोई उनके पैर ना छुए, वो सांसदों और कार्यकर्ताओं को भी पैर छूने से मना करते हैं। कि उन्होंने जरूर कहा कि मोदी जी की गारंटी इस वक्त प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, जो कोई संकोच न करें कि मेरे नाम के आगे मोदी जी लगाकर मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में हमेशा मित्रों, भाइयों, बहनों, मेरे साथियों और मेरे परिवारजनों जैसे शब्दों से जनता को संबोधित करते हैं, जिससे आम लोग उनसे सीधे कनेक्ट होते हैं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को जब राष्ट्र को संबोधित किया था, तब उन्होंने पहली बार मेरे परिवारजनों शब्द का इस्तेमाल किया था। यानी 2024 के लिए पीएम का रोड मैप पहले से तैयार है। मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन, आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। ये मोदी का दूसरा मंत्र, ये टीम वर्क की जीत है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत अकेले मोदी की नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की सामूहिक जीत है। पीएम मोदी बोले, अब आप लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जुट जाएं। लगातार और खासकर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में और जहाँ के ऊपर हम जीत के हो नहीं अभूतपूर्व जीत के आए, तो ये क्या है? ये नरेंद्र मोदी के प्रति एक विश्वास है। तो क्या है कि आज मोदी गरीब, शोषित, वंचित के परिवार का हिस्सा है। अब वो उसका कारण भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2014 का जब चुनाव लड़ रहा था, तैयारी कर रहा था, तो उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित नहीं हुए थे। मैं एक गांव में गया, उस गांव का बहुत गरीब आदमी, शायद मेरे ख्याल से दलित परिवार का था, वो धोती पहने हुआ था, आज भी उसका चेहरा मुझको याद है। और उसके बाद में उसने हमसे रोका, देखो मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ तो ही वोट दिए, तो यही हमारे के। पीएम मोदी का तीसरा मंत्र, मोदी की गारंटी पर दे जोर। पीएम मोदी ने कहा कि जनता तक ये संदेश पहुंचाए कि मोदी का हर वादा पूरा होने की गारंटी होता है। इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है 39 टाइम्स सरकार में रहते हुए दूसरी बार मैंडेट मांगने का हमको अपॉर्चुनिटी मिला। उसमें हम 22 टाइम्स सक्सेस हुआ है। पीएम ने कहा कि सांसद क्षेत्र में जाकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात करें, विश्वकर्मा योजना को जन जन तक पहुंचाएं और सरकार की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, साथ ही अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। गंभीर बातें कही हैं, किसी भी सांसदों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ जुड़ाव रखना चाहिए। और जिस प्रकार से हम चुनाव के दौरान घर घर जाते हैं, वैसे ही जो विकास रथ यात्रा चल रही है, तो ये विकास संकल्प यात्रा, तो इसमें भी जुड़ने की आवश्यकता है। ग्रामवासियों के साथ संवाद करना, उनको स्कीम्स के बारे में बताना, उनको जो वंचित है उनको जोड़ना। ये आंधी अद्भुत है। ये सच है कि 3 राज्यों में मिली ऐतिहासिक जीत के पीछे ब्रांड मोदी का सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि बीजेपी ने 5 राज्यों में किसी भी नेता को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया था। पूरा चुनाव सिर्फ पीएम के चेहरे पर लड़ा गया, इसीलिए बीजेपी के पास विपक्ष को परास्त करने के लिए ब्रांड मोदी ही सबसे बड़ा हथियार है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 2014 में जब मोदी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, तो देश में कितनी प्रतिशत आबादी और इलाके पर बीजेपी की सरकार थी। वहीं कैसे 2023 तक देश का राजनीतिक नक्शा बदलता चला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें कितना योगदान रहा। सबसे पहले बात कीजिए दिसंबर 2014 की। बीजेपी का शासन हमारे देश के 35% हिस्से पर था और 40% आबादी वाले राज्यों में हुआ करता था। गैर बीजेपी शासित राज्यों का शासन तब 47% इलाके और 60% की आबादी पर हुआ करता था। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक वर्ष बाद 2015 तक स्थितियां बदलना शुरू हो चुकी थी। बीजेपी का शासन हमारे देश के 60% इलाके पर और 41% आबादी तक पहुंच चुका था, यहां हम आपको दिखा रहे हैं। और अन्य दलों की सत्ता देश के राज्यों में थोड़ा घट रही थी, घटती जा रही थी। एक वर्ष बाद 2016 के दिसंबर तक बीजेपी का विस्तार होता है। देश के 63% क्षेत्रफल और 43% आबादी से जुड़े राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बन जाती है। विपक्षी दलों का शासन और सिकुड़ता है, आबादी में भी और क्षेत्रफल में भी 37% और 57% पर। दिसंबर 2017 पर आ जाइए, तब तक तो बीजेपी देश के 78% इलाकों और 69% आबादी
आबादी के राज्यों में सत्ता हासिल कर चुकी थी। सिर्फ 31% नागरिकों से जुड़े राज्यों में विपक्षी दल की सरकारें बची हुई थी। 22% सिर्फ पिछले 9-10 वर्षों में बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड आप कह सकते हैं, और उस समय देश में सर्वाधिक सरकारें बीजेपी की ही रही, और इसके बाद वर्ष 2018 के दिसंबर तक बीजेपी का शासन घटता है। ये वो समय था जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल कर ली थी। 2019 तक बीजेपी भले ही दोबारा लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन राज्यों में सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल रही थी, घट रही थी। तभी तो बीजेपी का शासन 34% क्षेत्रफल और 44% आबादी पर घटकर रह गया था। विपक्ष बढ़कर यहां पर 66% क्षेत्रफल और 56% आबादी पर सरकारें चलाने लगा था। अब आ जाइए 2020 पर। 2020 तक हमारे देश में यह स्थिति बन जाती है कि आधी आबादी पर बीजेपी की सरकारें होती हैं, आधी आबादी पर विपक्ष के दूसरे दलों की सरकारें, लगभग लगभग बराबर, देखिए 50-50% यहां पर दोनों के पास हो जाती हैं। अब मई 2021 का राजनीतिक नक्शा हम आपको दिखाएं तो राजनीतिक जमीन में कोई बदलाव नहीं आता। आधे देश की आबादी के राज्यों पर बीजेपी का शासन, आधे पर गैर बीजेपी दलों का शासन, यानी कि 50-50% आधा आधा। अगस्त 2022 में एक ऐसा समय हमारे देश में होता है जब क्षेत्रफल और आबादी दोनों के मामले में सब कुछ आधा आधा हो जाता है, यानी आधे पर बीजेपी की सरकारें, आधे पर विपक्षी दलों की सरकारें, दोनों तरफ 50% क्षेत्रफल आबादी, क्षेत्रफल आबादी एकदम बराबर यहां तक मामला था। अब दिसंबर 2022 से फिर कहानी घूम जाती है। 1.5 वर्ष के भीतर बीजेपी की सरकारों का दायरा थोड़ा कम होता है, विपक्ष का बढ़ता है। 49% बीजेपी, 51% विपक्ष। फिर मई 2023 में देश का राजनीतिक नक्शा कुछ इस तरह से होता है जहां देश के 43% क्षेत्रफल पर बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकारें होती हैं, 43-44 और 57% पर गैर बीजेपी दलों की, यानी कि 44% आबादी बीजेपी शासित राज्यों के अधीन आती है तो 56% आबादी से जुड़े राज्यों में गैर बीजेपी दलों का शासन हो जाता है। अब दिसंबर 2023 में 58% क्षेत्रफल और 57% आबादी पर बीजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकारें आ जाती हैं। तो बीजेपी का इस तरह से विस्तार 2014 से 23 तक हमने आपको पूरा बताया। जो विपक्ष चुनाव प्रचार के दौरान यह दावा कर रहा था कि मोदी लहर कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन परिणामों के बाद विपक्ष बैकफुट पर दिख रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि विपक्ष के बाद ब्रांड मोदी की कोई काट नहीं है। उसके बाद मोदी के बराबर खत का कोई नेता भी नहीं है जिसकी हर वर्ग में स्वीकार्यता हो। विपक्ष भी मन ही मन ये जानता है कि 2024 में बीजेपी का विजय रथ रोकना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मोदी मॉडल ना विपक्ष के पास है, ना मोदी जैसा बड़ा ब्रांड विपक्ष के पास है। पांच राज्यों के चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। उसमें बीजेपी ने उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन करके विपक्ष को भी हैरान कर दिया है। अब पीएम मोदी 2024 के लिए जीत का रोड मैप बना रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले जनता लगातार दोबारा बीजेपी की सरकार ज्यादा चुनती है। वहीं लगातार तीसरी बार भी सरकार चुनने की बारी आती है तो राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों से ज्यादा भरोसा जनता बीजेपी पर करती है। लगातार दूसरी और तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी को जनता के बीच मिली प्राथमिकता का आंकड़ा खुद प्रधानमंत्री ने सांसदों को बताया, जिसके बाद सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है इस देश में 40 बार कांग्रेस पार्टी को जब वो सरकार में रहते हुए चुनाव फेस करना पड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से भगवा परचम लहरा रहा है। दो नए प्रदेशों राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़कर मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाकर बीजेपी गठबंधन की 16 प्रदेशों में सरकार बन चुकी है। उसमें भी अकेले अपने दम पर 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है।
पीएम मोदी जब 3 दिसंबर को नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक 2024 में जीत की गारंटी है। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। पीएम मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों को जीत के मंत्र के साथ कई नसीहत भी दी। वहीं नतीजों के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष को भी विनम्रता पूर्वक कुछ सुझाव दिए थे। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।